प्रदेश में चुनावी समर के बीच टीएमसी ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। टीएमसी ने दावा किया है कि पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के हेलीकॉप्टर पर कोलकाता के बहाला फ्लाइंग क्लब में आयकर अधिकारियों ने छापा मारा है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए टीएमसी ने कहा कि आयकर विभाग की ये कार्रवाई इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान करने और डराने धमकाने के लिए की जा रही है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर पार्टी ने यह भी कहा कि पूर्व मोदनीपुर में जब अभिषेक बनर्जी की हल्दिया यात्रा के लिए बहाला फ्लाइंग क्लब में हेलीकॉप्टर को जांचा जा रहा था, उसी वक्त आयकर विभाग के अधिकारियों की एक टीम पहुंची और बड़े पैमाने पर उनकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। जब आयकर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला तो भाजपा के लोगों की निराश टीम ने हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया। जब अभिषेक बनर्जी के सुरक्षा कर्मियों ने इसका कारण पूछा तो वो आईटी अधिकारी विवाद करने लगे और हिरासत में लेने की धमकी दी। उन्होंने हेलीकॉप्टर के हर कोने हर बैग को खोला और उसकी जांच की। अभिषेक बनर्जी ने भी अपने अधिकारी का एक्स अकाउंट से पोस्ट कर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि एनआईए के डीजी और एसपी को हटाने के बजाय चुनाव आयोग और भाजपा ने आईटी के गुर्गों को मेरे खिलाफ तैनात किया है। उन्होंने आज मेरे हेलीकॉप्टर और सुरक्षा कर्मियों की जांच की है और जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ान नहीं भरने दी। इस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आईटी की छापेमारी चुनाव प्रचार में काले धन के खात्मे के अभियान का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि छापेमारी पर टीएमसी का आक्रोश दिखता है कि पार्टी के नेता अपनी गलत कमाई को लेकर कितना आशंकित हैं। बशीरहाट में प्रचार कर रहे सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि छापेमारी के दौरान अभिषेक बनर्जी को आईटी टीम का सहयोग करना चाहिए था, ना कि हंगामा खड़ा करना चाहिए था। सुवेंदु ने कहा कि वो देश के कानून से ऊपर नहीं है। इस बीच आयकर विभाग के सूत्रों ने दावा किया कि तलाशी जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये एक सर्वे था जो उस वक्त टीएमसी नेता हेलीकॉप्टर में मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की एक टीम को पश्चिम बंगाल के मालदा से बहाला फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर के आगमन की जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। अधिकारियों ने बताया कि रविवार यानी आज दोपहर करीब 1 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेलीकॉप्टर के आने की जानकारी मिली। इसके बाद जरूरी जानकारी इकट्ठा की गई। उस दौरान हेलीकॉप्टर में केवल 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे।